नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने राशन कार्ड में घर बैठे ही नया मेंबर किस प्रकार जोड़ सकते हैं, नया मेंबर किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। मैंने 2-3 रोज़ पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आप नए राशन कार्ड के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, नया राशन कार्ड किस प्रकार बना सकते हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारी कमेंट्स देखने को मिल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि सर हम राशन कार्ड में नया मेंबर किस प्रकार जोड़ सकते हैं, नया मेंबर किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सभी राज्य में अलग अलग प्रोसेस होता है राशन कार्ड में मेंबर ऐड करने का, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके को यूज़ करके आप किसी भी राज्य के राशन कार्ड में मेंबर ऐड कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल आसानी से अपने राशन कार्ड में मेंबर ऐड कर लोगे। मैं आपको एक पर्टिकुलर राज्य के राशन कार्ड में मेंबर ऐड करके दिखाने वाला हूं। सेम इसी प्रोसेस से आप किसी भी राज्य के राशन कार्ड में मेंबर ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नया मेंबर ऐड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इस प्रकार आपको नया मेंबर ऐड करना है चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। इन सारी बातों के अलावा भी दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल जवाब रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, सभी के आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेकर आ रहा हूँ, जेन्युइन कॉन्टेंट लेकर आ रहा हूँ, फिर भी सब्सक्राइब दोस्तों बहुत कम हो रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी राज्य का राशन कार्ड बनाने या फिर राशन कार्ड में मेंबर ऐड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट कर जाना है, जैसे कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। आप यहां पर देख सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल की ये ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर आने के बाद में आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप सभी राज्य के राशन कार्ड यहां से अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी राज्य के राशन कार्ड में आप नाम ऐड कर सकते हैं, मेंबर जोड़ सकते हैं। इसी वेबसाइट से आप डायरेक्ट अपने राज्य की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टेट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हैं सभी राज्य की लिस्ट खुलकर आपके सामने आ चुकी है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, सिंपली उस राज्य पे आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको इन राज्य में से पर्टिकुलर एक राज्य के राशन कार्ड में मेंबर ऐड करके दिखाने वाला हूँ। सेम प्रोसेस सभी राज्य के लिए रहने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट लगभग सेम प्रोसेस होने वाला है। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर आज एक झारखंड राज्य के एक राशन कार्ड में नया मेंबर जोड़ने वाले हैं। तो चलिए हम यहां पर झारखंड पे क्लिक करते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको उस राज्य पे क्लिक कर देना है। हम जैसे यहाँ पर झारखंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं झारखंड राशन कार्ड की ऑफिशियल साइट पे हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। कभी कभार आप यहाँ पर अगर अपने राज्य पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल साइट है राज्य की, वो नहीं खुलेगी और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरो बनकर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट गूगल में अपने राज्य के नाम सहित राशन कार्ड लिखना है, वहां पर आप डायरेक्ट अपने राज्य की ऑफिशियल साइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में आपको यहां पर कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिखाई देगा। यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सेवाएं आपके सामने नजर आ रही है, तो सिंपली आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद में आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन स्थिति, शिकायत दर्ज करें, राशन कार्ड, तो सिंपली इनमें से हम यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ सर्विसेज खुलकर आ चुकी है। हम यहां पर कार्ड होल्डर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कार्ड होल्डर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको लॉगिन होना है, राशन कार्ड नंबर यहां पर फिल करना है। इसके बाद में आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। आपके पास में जिस प्रकार का कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, PHO कार्ड है या फिर AY व्हाइट कार्ड है, जिस प्रकार का भी आपके पास में राशन कार्ड है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड आपका जो भी यहाँ पर राशन कार्ड का हेड है, राशन कार्ड में जो राशन कार्ड का जो मुखिया होता है, हेड होता है,
उसके आधार कार्ड की जो लास्ट की 8 डिजिट है, वो 8 डिजिट आपको यहाँ पर डालनी है, वही यहाँ पर पासवर्ड होने वाले हैं। इसके बाद में आपको कैप्चर फिल करना है और कैप्चर फिल करके लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए, नया मेंबर का नाम ऐड करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए, नए सदस्य का नाम जोड़ने हैं तो सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड संख्या, सदस्य के आधार कार्ड संख्या अनिवार्य है, उसका बैंक खाता की संख्या, उसके मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों ये निवास प्रमाण पत्र किसी किसी राज्य के लिए ही आपको लगाना है, सभी राज्य के लिए अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा विवाह होने की स्थिति में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज, अगर विवाह होने की स्थिति में आप किसी किसी सदस्य का राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं तो राशन कार्ड की संख्या होना जरूरी है, आधार कार्ड की संख्या अनिवार्य है, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, विवाह प्रमाण पत्र, सरेंडर प्रमाण पत्र अनिवार्य है। सरेंडर प्रमाण पत्र क्या होता है? पहले जिस राशन कार्ड पर नाम था उस राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाण पत्र सरेंडर प्रमाण पत्र कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें फिल करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारी राशन कार्ड की डिटेल डालकर जैसे लॉगिन पे क्लिक किए हैं तो आप यहाँ पर देखोगे राशन कार्ड की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। और आप यहाँ पर ऊपर में देखोगे परिवार सदस्य को जोड़ना, सिंपली हम इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नया पेज ओपन हो चुका है। नया पेज ओपन होने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको सिलेक्ट मेंबर पे क्लिक करना है और आप अपने राशन कार्ड में जो भी मेंबर ऐड कर रहे हैं उस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उस पर सिलेक्ट करने के बाद में आपको उस मेंबर के आधार कार्ड के लास्ट डिजिट के 2 नंबर दिखाई दे जाएंगे एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद में उस कैंडिडेट के आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ चुका है, स्टेप 2 नए सदस्य का विवरण। जो भी आप सदस्य जोड़ रहे हैं उसका आपको कंप्लीट विवरण इस फॉर्म में फिल कर देना है। जैसे सदस्य का नाम, हिंदी में सदस्य का नाम आपको टाइप करना है, पिता का नाम हिंदी में आपको टाइप करना है, उसका जेंडर जो भी मेल है फीमेल है उसकी DOB, रिलेशन विद कार्ड होल्डर रिलेशन पे आपको क्लिक करना है, जो भी राशन कार्ड का कार्ड होल्डर है उससे क्या रिलेशन है जो मेंबर आप जोड़ रहे हैं उस मेंबर का, उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, इस डिसेबिलिटी उस मेंबर में कोई डिसेबिलिटी अपंग वगैरह है या नहीं, अगर है तो यस पे क्लिक कर देना है या फिर नो पर आपको क्लिक कर देना है। उसका आपको मेरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, शादीशुदा है तो सिंपली आपको मेरिड पे क्लिक कर लेना है या फिर शादी नहीं हुई है अनमेरिड है तो आपको यहाँ पर अनमेरिड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको, और अगर इनमें से वो किसी बीमारी से पीड़ित है तो आपको इनमें से किसी एक पर सेलेक्ट कर लेना है या फिर आपको नन पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में उस कैंडिडेट के यहाँ पर कंप्लीट आधार नंबर फिल कर देने हैं और उस कैंडिडेट का आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देना है। अगर उस कार्ड का आपको बैंक डिटेल विवरण डालना है तो सिंपली आपको यस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यस पर क्लिक करोगे तो बैंक डिटेल डालने का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, और अगर आप बैंक डिटेल नहीं डालना चाहते तो सिंपली नो पर क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके सिंपली आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं द रिक्वेस्ट टू ऐड न्यू मेंबर हैज बीन सक्सेसफुली, आपके सामने एनरोलमेंट रिसिप्ट खुलकर आ जाएगी। सिंपली इस रिसिप्ट में आपके कंप्लीट विवरण दिखाई दे जाएगा, जो भी आपने नया मेंबर ऐड किया है, राशन कार्ड की डिटेल, सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी और आपको यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको इस एनरोलमेंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में आपका जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड और ये जो एनरोलमेंट स्लिप है इन दोनों को अटैच करना है और आपको अपने आपको खाद्य या पद अधिकारी को ये रिसिप्ट और राशन कार्ड की फोटोकॉपी दोनों जमा करवा देना है। इसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आपके खाद्य अधिकारी या पद अधिकारी करेंगे। राशन कार्ड में ऐड मेंबर का स्टेटस जानने के लिए सिंपली आपको वापस से इस साइट के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद में आपको वापस से ऑनलाइन सेवा पर आना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे तो वापस से आपको अपने राशन कार्ड नंबर फिल करना है और जो आपने नया मेंबर ऐड किया था उस टाइम एलरोमेंट जो रसीद में एलरोमेंट नंबर आए थे वो नंबर आपको फिल करना है और ये कैप्चर फिल करके आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जो भी आपके ऐड मेंबर का स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई कंफ्यूज कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।